हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन करेंगे। देखो मानस, माँ मेरे लिए एक अनोखे आकार का बर्तन लाई है। ये तो लंब वृत्तीय शंकुआकार राइट सर्कुलर कोन है। इसमें कितना पानी भर पाता है थॉमस? मैं नहीं जानता। यदि ये लंब वृत्तीय बेलनाकार राइट सर्कुलर सिलेंडर होता तो मैं इसका उत्तर झट से बता देता। लेकिन लंब वृत्तीय शंकुआकार राइट सर्कुलर कोन बर्तन का आयतन वॉल्यूम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। चलो मैं लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के जरिए ही लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात करना सिखाऊं। अरे वाह, इसका मतलब यह गणित का समय है। थॉमस, क्या तुम ऐसा एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन ला सकते हो जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इस लंब वृत्तीय शंकुआकार बर्तन के बराबर हो? बिल्कुल, मैं अभी लाता हूँ। ये लो मानस। थॉमस, अब हम पहले इस लंब वृत्तीय शंकुआकार बर्तन को पूरी तरह से पानी से ऊपर तक भर लेंगे और इस पानी को बेलनाकार बर्तन में डालेंगे। देखो थॉमस, बेलनाकार बर्तन का कुछ भाग भर गया है। अब हम दोबारा शंकु को पानी से पूरी तरह भर लेंगे और इसे बेलन में उंडेल देंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, बेलन अब भी पूरी तरह नहीं भरा है। अब हम शंकु को तीसरी बार पानी से भरकर बेलन में उंडेलेंगे। देखो मानस, बेलन पूरी तरह पानी से भर गया है। हाँ थॉमस, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीन शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है। इसका मतलब यदि शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई एक ही हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई 1/3 होता है। और तुम तो जानते ही हो कि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर के वर्ग और एच के गुणनफल के बराबर होता है, जहां आर उसके आधार की त्रिज्या और एच ऊंचाई है। इसलिए हम लंब वृत्तीय शंकु के आयतन को इस तरह से बेलन के आयतन का एक तिहाई लिख सकते हैं, जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या और एच उसकी ऊंचाई है। अरे वाह मानस, चलो मैं लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र जल्दी से सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। थॉमस, क्योंकि तुम्हारे शंकुआकार बर्तन की मोटाई बहुत कम है, हम उसे नहीं के बराबर मान सकते हैं। जितनी जगह पानी इस शंकुआकार बर्तन में घेर रहा है वो उसके आयतन के बराबर होगी। इसलिए अब बस हमें इस लंब वृत्तीय शंकु के सूत्र में इसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर को क्रमशः आर और एच की जगहों पर लिखकर इसे हल करना होगा और फिर हमें इस लंब वृत्तीय शंकुआकार बर्तन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। लंब वृत्तीय शंकुआकार बर्तन का आयतन 132 सेंटीमीटर घन है और हम जानते हैं कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर घन के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लंब वृत्तीय शंकुआकार बर्तन में 132 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। चलो थॉमस, अब हम अपनी दुनिया में लौट चले।
फिर हम तुम्हारे इस बर्तन के लिए तुम्हारी माँ को धन्यवाद कहने के लिए उनके लिए इसमें आइसक्रीम जमाएंगे। इस वीडियो में हमने लंब वृत्तीय शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन किया। हमने सीखा एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, दो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कैसे ज्ञात करें। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।